एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि अफ्रीकन डेजी, इनके आपको सीड कब कलेक्ट करने हैं और कैसे कलेक्ट करने हैं। ये अफ्रीकन डेजी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होता है जो कि मार्च अप्रैल तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि इनके सीड्स को आप कैसे कलेक्ट करना है और किस तरह से स्टोर करना है। तो इस तरह से देखिए, फूल इस तरह से सूख जाता है जब, तो इनकी जो पेटल्स होती हैं वो झड़ जाती हैं। उसके बाद इस तरह का पार्ट बनकर एक तैयार हो जाता है, इस तरह की बड बनकर एक तैयार हो जाती है। और इसके अंदर ही ये सूखे सूखे से आपको जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, यही अफ्रीकन डेजी के सीड्स हैं। और इन्हें कलेक्ट कैसे करना है, इनको 2-3 दिन धूप में सुखाकर, वैसे ही बिल्कुल ड्राई ही होते हैं तभी इस तरह से बनता है। और इसको आप किसी पैकेट वगैरह में रखकर आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं और अगले साल फिर इनसे नए नए पौधे बना सकते हैं। वीडियो अगर बिल्कुल भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब